मुंबई के दादर इलाके में गत माह हुई एक युवक की निर्मम हत्या के आरोप में माटुंगा पुलिस ने सोलापुर से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 29 जून को सुबह 11 बजे खून से लथपथ अवस्था में दादरपुर तिलक ब्रिज के नीचे एक युवक पड़ा मिला, उसे मदद की जरूरत है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे असायन अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चोट ज्यादा लगने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पा रही थी, उसे किसने मारा ये भी पता नहीं चल रहा था। दादर और माटुंगा के लगभग 60 CCTV कैमरों की जांच पड़ताल के बाद माटुंगा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय पाटलकर ने सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच टीम का गठन किया। इसी टीम के अधिकारियों ने सोलापुर से जाल बिछाकर वीरभद्र मलिनाथ हीरे मठ को उक्त मृतक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जून 2019 को जो है करीब 11 बजे के आसपास माटुंगा पुलिस स्टेशन में एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो कि डेड है उसका एक कंप्लेन आया था। उस कंप्लेन के आधार पे जो है यहाँ माटुंगा पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का केस रजिस्टर किया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसमें ना तो आरोपी और ना ही उसमें जो मैयत थे नहीं मरे थे उनके दोनों की आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे पूरे आजू बाजू की चीज़ों को जो है ठीक से चेक किया और CCTV फुटेज के आधार पर हमने जो मृतक हैं उनकी सबसे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन की और जिनका नाम मुकेश भगवान इंगड़े रहवासी मलकापुर बुलधाना ऐसा निष्पन्न हुआ। उसके आधार पे ही फिर हमने और आगे जो है जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमें पता चला कि इनके साथ कोई एक आदमी उस दिन था और CCTV फुटेज और बाकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फिर हमें वीरभद्र मल्लीनाथ हिरेमट करके एक आदमी के बारे में पता चला जो सोलापुर जिले में रहता था और वहाँ पे वो मार्केट यार्ड में काम करता था। हमारी पुलिस की माटुंगा पुलिस की एक पार्टी वहाँ पे गई, पुलिस की पार्टी ने जब उसको अरेस्ट किया तो उसके बाद उसने कन्फेस किया कि वो वहाँ पे दारू पीने को लेकर दोनों लोगों का झगड़ा हुआ और फिर उसने इसका मर्डर किया।